मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो गया है और प्रियंका गांधी की इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि एमपी का चुनाव किस राह पर आगे बढ़ने वाला है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी समेत विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। प्रियंका गांधी इसी सिलसिले में आज जबलपुर पहुंची। मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आई है जिसकी बदौलत अब तक बीजेपी पिछले चुनावों में कमाल कर रही थी और इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के इस फॉर्मूले की काट निकाल ली है। कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक प्लान की झलक आज प्रियंका गांधी की रैली की हर तस्वीर में साफ तौर पर देखने को मिली। तो आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सी तस्वीरें हैं जिन्होंने कांग्रेस के प्लान को जग जाहिर कर दिया। पहली तस्वीर, हर हर नर्मदे का नारा। प्रियंका गांधी ने जबलपुर की अपनी रैली में अपने संबोधन की शुरुआत हर हर नर्मदे के नारे के साथ किया। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से ये नारा भी लगवाया, हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। दूसरी तस्वीर, मां नर्मदा की पूजा। प्रियंका गांधी ने चुनावी अभियान शुरू करने से पहले मां नर्मदा की पूजा और महाआरती की। उन्होंने कलावा बंधवाया और तिलक लगवाया। वो वैसा वैसा करती गईं जैसा जैसा पंडित बोलते गए। तीसरी तस्वीर, मंच से शंखनाद। मां नर्मदा की पूजा के बाद प्रियंका गांधी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ रैली स्थल पर पहुंची। यहां रैली के दौरान मंच से बकायदा शंखनाद किया गया। चौथी तस्वीर, कांग्रेस की रैली में बजरंगबली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद ये पहला मौका था जब कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ी रैली का आयोजन किया और प्रियंका गांधी की इस रैली में कांग्रेस कार्यकर्ता बजरंगबली के वेशभूषा में पहुंचा था। बजरंगबली की वेशभूषा में आया कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के साथ नर्मदा आरती में भी शामिल हुआ। पांचवी तस्वीर, कांग्रेस ने सजाई बजरंगबली की गदा। जबलपुर में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के स्वागत में कांग्रेस ने आदि शंकराचार्य चौक में बजरंगबली की 30 फुट ऊंची गदा सजाई थी। इसके साथ ही जबलपुर के कई और चौराहों पर बड़ी गदा भी लगाई गई ताकि जनता को हिंदुत्व से जोड़ने का संदेश दिया जा सके। इस तरह से कांग्रेस अपने मुद्दों के साथ साथ हिंदुत्व के पहलू पर भी बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने को कांग्रेस अब धर्म की राह पर चल पड़ी है। बीजेपी के हिंदुत्व की काट तलाशने को कांग्रेस ने न केवल बजरंगबली का नाम जप रही है बल्कि उनकी गदा का भी सहारा ले रही है और इसकी झलक आज प्रियंका गांधी की रैली में साफ तौर पर देखने को मिली। मां नर्मदा का पूजन किया और अब मैं आह्वान कर रहा हूँ।